हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सगुना और आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक। सर्दियाँ बस आ ही चुकी हैं, मौसम बदल चुका है, इसलिए हमारी आज की रेसिपी को लेकर हम हैं काफ़ी एक्साइटेड, क्योंकि हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं सोया रेड बीन स्ट्यू। इसको बनाना कैसे है, आइए हम जान लेते हैं। पहले है मेरे पास यहाँ पर राजमा, और राजमा को मैंने एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखा था। अब उसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ और इस राजमा को मुझे करना है बॉयल कुकर के अंदर। तो ये राजमा हम डालेंगे कुकर के अंदर। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और बस अब हमें इंतजार करना है इस राजमा के उबलने का। तो तकरीबन 7 से 8 सीटियां इस कुकर में जब लग जाएंगी, उसके बाद ही राजमा अच्छे से उबल के तैयार हो जाएगा। तो लगभग 7 से 8 सीटियां आ चुकी हैं, राजमा अभी तक उबल गए होंगे। इसको हम रख देते हैं कुकर को साइड में, और अब करते हैं तैयारी हमारी बाकी की रेसिपी की। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। पैन को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तेल गरम हो चुका है, इसके बाद हम इसके अंदर अब ऐड कर रहे हैं चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक यहाँ पे सौते हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे चॉप्ड अनियंस। और इसको हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। तो ये प्याज यहाँ पर हाफ डन हो चुका है, इसके बाद हम इसके अंदर अब ऐड कर रहे हैं टोमेटो प्यूरी। और टोमेटो प्यूरी के साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारे सारे ड्राई स्पाइसेस। पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो ये प्याज टमाटर की ग्रेवी यहाँ बनके रेडी हो चुकी है। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा थिक। थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी में मैदा घोल के रेडी रखा हुआ था, उसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर अगर आपको पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप बढ़ा सकते हैं, और पानी कम लग रहा है मुझे। तो ये ग्रेवी यहाँ बनके रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मशरूम, और है मेरे पास यहाँ पर पालक। इन दोनों को पहले हम अच्छे से इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पालक और मशरूम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे न्यूट्रेला प्री कुक्ड सोया मिनी चंक्स। प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी रिच पाए जाते हैं, 52% प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर शामिल होता है, तो इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए। इसको भी अच्छे से हम एक स्टर दे देंगे। तो मशरूम, स्पिनच और न्यूट्रेला प्री कुक्ड मिनी सोया चंक्स बहुत ही जल्दी इस ग्रेवी के साथ घुल मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर आपको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। लेड यहाँ पर मेरे पास है, इसको हम लगा देते हैं इसके ऊपर, और सिर्फ 2 मिनट हमें इंतज़ार करना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं। और अब हमें इसके अंदर डालने हैं हमारे प्री बॉयल्ड राजमा, जो सबसे पहले हमने कुकर में सीटी लगा के रख के तैयार कर लिए थे। एंड आई वुड प्रेफर कि जिस पानी में आपने राजमा उबाला था, उस पानी को भी आप इस स्ट्यू में शामिल कर लें, क्योंकि उसके अंदर राजमे का जो स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसे इस रेसिपी में भी अच्छा स्वाद आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पैन के अंदर काफ़ी पानी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर राजमे के साथ मैं पैन के अंदर डालती जा रही हूँ। तो ये राजमा मैंने सारा पैन के अंदर डाल दिया है, इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स। और बस तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। लिड मैं वापस लगा देती हूँ। 5 से 7 मिनट में हमारी ये डिश बनके रेडी हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं क्या है स्टेटस हमारी डिश का। वाओ, इट लुक्स जस्ट परफेक्ट। गैस मैं बंद कर देती हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर।
तो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों के हिसाब से काफ़ी टेम्पटिंग भी है, यमी भी है और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगी। राजमा प्रोटीन कंटेंट में हाई होता है, उसके साथ हमने मिक्स किया है यहाँ पर न्यूट्रेला प्री कुक्ड सोया चंक्स जो भी प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी रिच पाए जाते हैं। स्पिनच है, मशरूम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट वाइज और बेनिफिट्स वाइज कितनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। तो लीजिए, बनके तैयार है सोया रेड बीन स्ट्यू। सर्दियों के हिसाब से आपको इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताना मत भूलिए कि आपको कैसी लगी। न्यूट्रेला फूड तक को ऐसी हेल्दी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए।